लोबिन दांतों बुरे फंस गए हैं दोस्तों। हालात ये है कि फिर से उनकी जेएमएम में वापसी भी हो सकती है। लोबिंदा की हालत देखकर एक शायरी बड़ी जोर से आई है। एक साल गया एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। दोस्तों झारखंड की बोरियो विधानसभा सीट झारखंड की राजनीति का केंद्र बनी हुई है। कहने को तो भाजपा ने इस सीट पर वर्तमान विधायक लोबिन को अपने साथ शामिल कर लिया, जिसको भाजपा अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बता दें कि गत दिनों जेएमएम के वरिष्ठ नेता लोबिन हेमरम ने जेएमएम से बगावत कर अपने तीर धनुष को त्याग कर कमल का भगवा चोला ओढ़ लिया। लेकिन अब लोबिन दा खुद भाजपा के सरदर्द बन चुके हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी कभी भी बज सकती है। ऐसे में झारखंड की 81 सीट पर पार्टियों की सांसें अटकी हुई है। ऐसे में बोरियो विधानसभा सीट पर राजनीतिक तापमान लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बोरियो विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। यहाँ जामुमो और भाजपा का मुख्य मुकाबला होता रहा है। लोबिन हेमरम ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2024 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। 1957 में अस्तित्व में आया यह विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज और गोड्डा जिले से जुड़ा हुआ है। इस सीट पर भी झामुमो का प्रभाव रहा है, लेकिन झारखंड अलग राज्य निर्माण के बाद इस सीट पर झामुमो और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला होता रहा है। वर्ष 2019 में यहाँ से झामुमो के टिकट पर लोबिन हेमरम ने जीत हासिल की। हालांकि इस सीट पर झामुमो के लोबिन हेमरम वर्ष 1990, 1995 और साल 2009 और साल 2019 में इस सीट पर 5 बार जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन लोबिन दा अक्सर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। 1995 में पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया था और टिकट भी काट लिया, मगर वो निर्दलीय जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। हाल के वर्षों में वे जल जंगल जमीन और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर झामुमो नेतृत्व के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। उन्हें पार्टी से फिर निष्कासित कर दिया, मगर उन्होंने फिर भी राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय के रूप में अपनी किस्मत आजमाई, मगर वो बुरी तरह नाकामयाब रहे और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इस बार वो भाजपा में है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि भाजपा उन्हें बोरियो से पार्टी के टिकट पर लड़ाएगी, मगर भाजपा कैडर क्या उन्हें समर्थन देंगे? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि सीट पर भाजपा के दो कद्दावर नेता चुनाव में उतरते आए हैं। एक है ताला मरांडी और दूसरे हैं सूर्या हाजदा। ताला मरांडी भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। उन्होंने साल 2014 में बोरियो से लोबिन को हराकर जीत का परचम लहराया। 2005 में भी लोबिन को ताला मरांडी ने सीट पर पटकनी दी, लेकिन साल 2019 में भाजपा ने बोरियो से सूर्या हाजदा को अपना चेहरा बनाकर चुनाव में उतारा, मगर लोबिन के आगे उन्हें कड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल है कि भाजपा अब किसको टिकट दे, क्योंकि झारखंड भाजपा का कैडर दलबदलू नेताओं को पसंद नहीं करता। एक तरफ ताला मरांडी है, जिन्होंने अलग झारखंड में 2 बार इस सीट से जीत का परचम लहराया है। ऐसे में लोबिन हेमरम उनकी मजबूत दावेदारी में रोड़ा बन गए हैं। टिकट को लेकर पार्टी के अंदर उआपो की स्थिति बरकरार है। ऐसे में लोबिंदा भाजपा के लिए सिरदर्द बन गए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले लोबिंदा की घर वापसी हो जाए। दोस्तों इस पर अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहे समाचार आज तक।